डिसिप्लिन, लैटिन वर्ड डिसिपल से निकला है जिसका मतलब है स्टूडेंट। डिसिप्लिन के दो कॉन्सेप्ट हैं, ओल्ड कॉन्सेप्ट जिसमें हम फोर्सफुली देखते हैं कि बाय रॉड बाय स्टिक टीचर जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करवाती थी। टीचर के पास एक स्टिक होती है जिसमें टीचर बच्चों को डरा के धमका के और फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना कि चुप करके बैठ जाए ताकि टीचर प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सके। लेकिन अब टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों के इस्तेमाल नहीं करती। इनफैक्ट टीचर प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को इनर सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेट करती है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने से आप कितना ज़्यादा गेन करते हैं, उसकी अहमियत के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उनको रियलाइज़ करवाती है कि जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। विलियम ग्लेजर कहते हैं कि पनिशमेंट को वो बिल्कुल भी निग्लेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम वो कहते हैं कि जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो इंसान की खुद से जो डेवलपमेंट होती है, जो बच्चा खुद से सीखना चाहता है, वो पनिशमेंट से नहीं सीखेगा। जब आप उसको पनिशमेंट देंगे तो वो उसकी सारी क्रिएटिविटी वहीं रुक जाएगी, उस खौफ से कि टीचर मुझे पनिशमेंट देंगी, तो वो प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए कोशिश करता है लेकिन फर्दर उस डर की वजह से वो फर्दर अपना इनपुट प्रोवाइड नहीं कर पाता जो कि क्रिएशन की तरफ नहीं लेके जाता। तो स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल निग्लेक्ट करते हैं कि उनको उनको पनिशमेंट ना दी जाए, उनको फिजिकल पनिशमेंट ना दी जाए। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज दी जाती हैं जिसमें आप रूल्स डिज़ाइन करें कि आप ऑलरेडी रूल बता दें कि आपकी क्लास की ये रूल्स हैं, जो वायलेट करेगा उसको कोई ना कोई पेनल्टी दी जाएगी। अब वो पेनल्टी वो फिजिकल पेनल्टी नहीं होगी, वो पेनल्टी आपकी मेंटल होगी कि बच्चों को एक्स्ट्रा आप वर्क दे देंगे, उनको कोई असाइनमेंट दे देंगे, उनको नेक्स्ट टाइम जो है वो लेसन रीडिंग करने के लिए देंगे, इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी। उसके बाद आप जब बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसकी जो इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा फोकस करें, उससे ये होगा कि वो ज़्यादा मोटिवेट होगा कि मैं जो अच्छा काम करना चाहता हूँ, जो मुझे मेरा फेवरेट काम है, जब भी मैं वो करता हूँ तो मेरी टीचर को वो चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली गलत हरकतों से वो राइट जो प्रॉपर तरीके से पढ़ने की या एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होंगी। अकॉर्डिंग टू जो डिसिप्लिन की एक्टिविटी स्ट्रेटजीज़ हैं उनमें आप बच्चे की उस बिहेवियर को इग्नोर कर देंगे जो आपके जो डिज़ायर्ड आपका, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बच्चा आपका डिसिप्लिन में हो, आप क्लास में खामोशी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स हैं जो कि खामोश नहीं होते, वो दूसरों के साथ बात कर रहे होते, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप दूसरों को फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस तरफ आ जाएंगे। आप डायरेक्ट किसी पे हिट नहीं करेंगे कि इफ़ यू आप किसी को भी पॉइंट आउट करें कि वाई यू आर डूइंग दिस और दैट, और आप खड़े हो जाएं या आप बाहर निकल जाएं, इस तरह की हरकतों से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता। इनफैक्ट बच्चा डीमोटिवेट होता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है क्लास में। फिर आप स्टूडेंट की अगर गलत हरकत भी है तो लेकिन आप उसको मोटिवेट करें, आप उसके पॉज जो बेस्ट पॉसिबल जो उसके बिहेवियर के एस्पेक्ट हैं उनको आप देखें कि आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे। आप उनको बताएं कि आपने इस बार ये इस तरह से मिसबिहेव किया है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, आप सक्सेसफुल अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ आप बात करें, उनकी डायरेक्शन को क्लियर करें। पहले आप सबसे पहले डायरेक्शन बता दें कि इस क्लास के रूल हैं कि जब टीचर लेक्चर प्रोवाइड करेगी तो कोई भी बात नहीं करेगा, या टीचर जब पढ़ा रही होगी तो कोई बात नहीं करेगा, लेकिन पढ़ाने के बाद आप फ्री आप बच्चों को छोड़ेंगे कि बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस जो रेलेवेंट टू दी कंटेंट होंगे वो आपके साथ शेयर करें। कोशिश करें बच्चों को कभी भी ना ना कहें, जब आप नो करते हैं तो बच्चे उस चीज़ से डिमोटिवेट होते हैं, बच्चे बहुत डिसहार्ट हो जाते हैं, तो मोस्ट केसेस में आप उनको यस करें ताकि वो उनको उम्मीद रहे कि मेरी चीज़ों को सुना जाता है, मेरी चीज़ों को अहमियत दी जाती है, मैं जो कहता हूँ उसमें टीचर मुझे हमेशा प्रेज करती है।
आप उनकी पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा अटेंशन दें ताकि वो उन चीज़ों में और ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। टीचर को रोल मॉडल होना चाहिए ताकि उसकी पर्सनालिटी पे ऐसा ना हो कि आपने रूल्स डिसाइड कर दिए, उन रूल्स को आप खुद ही जो है ब्रेक करें। नहीं, आपने रूल्स डिसाइड कर दिए कि रूल बना लिए कि जब आप पढ़ाएंगी तब आप कोई किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी इस तरह से कि आप इररेलेवेंट चीज़ों को बताएं या कुछ इस तरह से, लेकिन आप इनफैक्ट बच्चों को उस तरह से लेके जाएंगी जिसमें उनके जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती जाए, और ये कंसिस्टेंसी के साथ आप रूल्स को फॉलो करेंगी तो ही आप रोल मॉडल बन सकते हैं। उसके बाद जो आप समझते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में एक बार दो बार आपने इग्नोर किया, अब आप देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस बेसिस पे बच्चों का ये एक्शन चल रहा है, वो एक्टिविटीज़ ऐसी करती हैं जिसकी वजह से क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं होता, तो टीचर को बिफोर द एक्शन कोई ना कोई डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, और वो एक्शन इस तरह से होगा कि वो उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए होगा, वो उनको पॉजिटिव एलिमेंट्स की तरफ लेके जाएगा, वो उनको पॉजिटिव अचीवमेंट की तरफ ले जाएगा ताकि वो पॉजिटिवली हर एक चीज़ को हासिल कर सके। तो जब आप इन स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो आप इजीली क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन कर सकते हैं।